कराची में एक बार फिर बादल जमकर बरसने को तैयार। तेज बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का आगाज हो गया। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, करीमाबाद, लियाकताबाद समेत बेशतर इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। इस वक्त शहर भर में गहरे बादलों का बसेरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला अगले चंद रोज तक जारी रहेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहरुख शाह, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी शाहरुख, आगाह कीजिएगा इस मुताले। जी बिल्कुल, देखें मौजूद हैं गुलशन इकबाल के इलाके अजहर स्क्वायर पे, और इस वक्त कराची में जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों पे काले बादल जो है वो उन्होंने डेरे डाल लिए हैं। और अब से कुछ देर के बाद मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि तेज़ बारिश जो है वो मुतवक्के है। इस वक्त गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, हसन स्क्वायर समेत दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर इस वक्त जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जो है वो जारी है। गुलशन हदीद में इस वक्त जो है वो हल्की बारिश जारी है, और ये बादल इस वक्त जो है वो प्रेडिक्शन ये कर रहे हैं कि अब से कुछ देर के बाद कराची में जो है वो तेज़ बारिश का जो है वो इम्कान है। जो अंदरूनी सिंध से जो है वो बादल वो कराची की तरफ जो है वो गामजन है, और महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही जो है वो प्रेडिक्शन कर दी गई थी जो है वो तूफ़ानी बारिशों की। और इस वक्त कराची का मौसम इंतहाई खुशगवार है, लोग जो है वो इसको इंजॉय भी कर रहे हैं। मगर इस मौसम के बाद जो कराची में हालिया मानसून है हुई है, उसके बाद जो शहरी जो सड़कें कराची की टूट फूट का शिकार हैं, उसकी वजह से लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। मगर इस मौसम को जो है वो लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, और यही सीज़न जो है वो बारिश का। शाहरुख शाह हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर, और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।